वन संपदा को खासा नुकसान पहुंचाए। कई हेक्टेयर वन जंगल जलकर खाक हो गए। धनपुर रेंज के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तो लगातार जो वनाग्नि है वो वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। और ये तस्वीर से भी आपको समझ आ सकता है कि किस तरह का मंजर जो जंगलों में देखा जा रहा है। तो लाल लपटों का कहर इन जंगलों पर बरतते हुए जो सीधा पर्यावरण पर भी खासा असर और साथ ही लोगों की सेहत पर भी इसका असर देखा जा रहा है। और ऐसे में इन जंगलों में रहने वाले जंगली जानवर जो है वो रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। तो जंगल में भीषण आग की ये तस्वीर आप कर्णप्रयाग से देख रहे हैं। वन संपदा को खासा नुकसान, इसके जरिए कई हेक्टेयर वन जलकर खाक हो चुके हैं। तो धनपुर रेंज के कर्मचारी हालांकि इस आग पर काबू पाने में जुटे हैं, लेकिन ये आग एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। तो वहीं जंगलों में लगी आग को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल से खास बातचीत की न्यूज टेट संवाददाता अजीत राठी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। गर्मी का सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड में वनों की आग की एक बड़ी समस्या उठकर खड़ी हो जाती है, और ये इस बार नई बात नहीं है। हर साल जब बारिश होती है तभी ये पूरा सिलसिला रुकता है, और चूंकि वनों की आग इतना आसान काम उसको कंट्रोल करना नहीं है, तो लेकिन फिर भी प्रयास लगातार किए जाते रहे हैं। मेरे साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं। मंत्री जी, इस बार भी काफी थोड़ा जल्दी भी शुरू हो गया, गर्मी भी शुरू हो गई, और काफी संपदा का नुकसान अब तक हो लिया। यह निश्चित संपदा का नुकसान भी हुआ, और चूंकि हम लोग चुनाव में व्यस्त भी थे तो इस कारण एक राजनीतिक सोच से हम लोग इस पे बात भी नहीं कर पाए। लेकिन जैसे आचार संहिता खत्म हुई मुख्यमंत्री जी ने तत्काल बैठक ली, और उससे पहले हॉप से लगातार बात होती रहती, और हॉप के द्वारा भी चार बैठक इस बारे में ली गई थी कि प्रभावी नियंत्रण किस तरह अग्नि पे किया जाए, क्योंकि इस वर्ष अचानक जल्दी गर्मी आने के कारण आग की घटनाएं प्रारंभ हुई। लेकिन अगर आप देखेंगे विगत दो तीन वर्षों से हम लोगों ने इसको प्रयास किया, तो यही कारण था कि 22-23 में और वर्षों के मुकाबले 50% वनाग्नि से क्षति हुई थी, और 23-24 में तो ऊपर वाली कृपा भी हुई और मात्र 20% क्षति का आकलन हुआ। इस 24-25 में इस समय जिस तरह हालात लग रहे हैं अभी, इसको प्रभावी नियंत्रण के मैंने आपसे कहा कि अब हम लोगों ने जिस तरह एक निर्णय लिया था, क्योंकि आग का सूचना तो हम लोगों को बहुत जल्दी मालूम हो जाती है, लेकिन उस पर आग बुझाने के लिए जब टीम निकलती है तो उसके वहां पहुंचने में काफी टाइम लगता है, तब तक आग विकराल रूप ले लेती है। तो हमारा एक ही प्रयास था कि रिस्पांस टाइम को किस तरह कम किया जाए, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसी जगहों को चिन्हित करने के पहले तो निर्णय पूरे प्रदेश के लिए लिया, और सबसे पहले फेस में उन जगहों को चिन्हित किया जहां पर आग की घटनाएं ज्यादा होती थी, और वहां पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई ताकि उसको मिटिगेट करने के लिए स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के सहयोग से उसको किया जा सके। और 72 ऐसी जगह पर हमने कमेटियां बनाई हैं, और इसमें निर्णय हमने लिया है कि हम हर कमेटी को 30,000 रुपया इंसेंटिव देंगे ताकि उन लोगों को एक जिम्मेदारी का भी एहसास हो। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता की कमेटी में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के अध्यक्षगण और राजस्व विभाग और वन विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य रहेंगे, तो वो कमेटी अपना काम कर रही है। और साथ ही उनको इंसेंटिव देने का निर्णय के साथ साथ ये भी निर्णय हुआ था कि हम प्रदेश स्तर पर अवार्ड भी करने का काम करेंगे, जो जिन लोगों को जितना वो होगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो भी ये आपदाएं हैं ये बिना जन सहभागिता के आप इन पर जीत नहीं सकते। मंत्री जी, क्या आग लगने के क्या कारण होते हैं? इनपुट ऐसा कुछ डिपार्टमेंट ने दिया, क्या कारण होते हैं? हमेशा ही होता है। देखिए, इसके 3-4 कारण हैं। एक कारण तो ये है जो किसान लोग खेत में अपनी जब आग लगाते हैं तो वो खरपतवार को जब जलाते हैं तो जंगल तक फैली जाती है। दूसरा शरारती तत्व भी है, कुछ शरारती तत्व भी जिनके लिए हमने इसको अपराध घोषित करते हुए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया। और तीसरा, कभी कभी अनजाने में भी लोग चलते हुए सिगरेट फेंक दी, बिड़ी फेंक दी, ये आगे लग जाती है और इस कारण काफी नुकसान होने इसमें हो जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसमें हम तमाम बजट तुरंत रिलीज कर दिया गया, हर डिवीजन को बजट रिलीज करने के साथ साथ जो फायर सीजन में हम लोग एडिशनल मैन पावर लगाते हैं उनको लगाने का अधिकार दे दिया गया है कि आप तत्काली सीजन में जो एडिशनल मैन पावर से उसको लगाएं ताकि प्रभावी नियंत्रण इस पर किया जा सके। गंभीरता के साथ फॉरेस्ट विभाग कर्मचारी करने के साथ साथ मेरी अपील भी निकली है, अखबारों में भी अपील निकाली गई है, जन जागरण लगातार हर डिवीजन में बाकायदा जन जागरण यात्राएं निकल रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि स्थानीय लोगों की जागरूकता से ही हम आग पर नियंत्रण करने के साथ साथ आग लगने से रोकने का काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर सबसे ज्यादा फोकस हमारा ये जो है ये अवेयरनेस पे है।
जानकारी देने के बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे वन मंत्री, तो उन्होंने बताया कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उन पर भी हम लौट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई एंगल था वो उसका समाधान हो गया है और जितना भी एक मुकम्मल इंतजाम हो सकता है उसको करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उस बीच बड़ी खबर, वनाग्नि को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, तो कांग्रेस विधायक सुमित